हजार। वहीं अगर हम एक इन्फ्लुएंसर की बात करें, ले लेते हैं रजत दलाल, कानून को अपने हाथ में लेता है। सो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि रजत दलाल बिग बॉस में गए हुए हैं और रूपल शंकर सर ने इससे पहले अपना रिएक्शन दिया था रजत दलाल के ऊपर, लेकिन उन्होंने अभी अभी एक और वीडियो डाली है अपने चैनल पे पुलिस वर्सेस इन्फ्लुएंसर करके, जिसमें उन्होंने पुलिस और इन्फ्लुएंसर के बीच कितना डिफरेंस है, चाहे लाइफस्टाइल में, पैसे में और बाकी सब चीज़ों में, इन सभी चीज़ों के बारे में बात की है। और इसी वीडियो में उन्होंने रजत दलाल को फिर से पोक कर दिया है, आप देखिए। स्वस्थ और जीवन जी सके, सैलरी के नाम पर मिलते हैं एवरेज 25,000 से 45,000। वहीं अगर हम एक इन्फ्लुएंसर की बात करें, ले लेते हैं रजत दलाल, कानून को अपने हाथ में लेता है, सड़क पर गुंडागर्दी करता है, सड़क पर रैश ड्राइविंग करता है, बच्चों के साथ मारपीट करता है, आए दिन गाली गलौच करता है, वो वायरल होता है और उसे ब्रांड से मिलते हैं लाखों रुपए कमाने का मौका। इवन इंडिया के सबसे बड़े रियलिटी शो जिसका नाम है बिग बॉस सीजन 18 में उसे आने का भी मौका मिलता है। इंडिया का हर एक एवरेज पुलिस वाला जो पूरी नौकरी करता है, यानी कि 35+ साल की नौकरी करने के बाद जब वो रिटायर होता है, तो उसके पास इतने ही पैसे होते हैं कि वो रिटायर के बाद या तो अपना एक छोटा सा घर बना सके या फिर अपने बच्चों की शादी कर सके। मैं अगर कंपेयर करूं अपनी ही सैलरी से जो गवर्नमेंट से मुझे मिलती है दिल्ली पुलिस की तरफ से, 2022 के आंकड़े बताऊंगा आपको, 12-13 साल मेरी नौकरी होने के बाद मुझे 56,000 रुपए इन हैंड मुझे मिलती थी सैलरी, और अगर यही मैं क्वार्टर ले लूं तो उसमें से 24% मेरा बेसिक पे से कट जाएगा और आएगा तो देश को फायदा ही होगा। लेकिन इन्फ्लुएंसर लाइक डोली चाय वाला, वड़ा पाव गर्ल, पुलिस सुपरस्टार थाराबाई जोगिंदर, रजत, ये अपने कंटेंट के थ्रू ना तो आपको कोई एजुकेट कर पा रहे हैं, ना ही कोई वैल्यू प्रोवाइड कर पा रहे हैं, ना ही कोई कुछ एंटरटेन कर पा रहे हैं। लेकिन So, इस वीडियो में ना केवल रजत दलाल बल्कि उन सभी क्रिंज इन्फ्लुएंसर को उन्होंने रोस्ट कर दिया है जो कि सोशल मीडिया पर उल्टी सीधी हरकतों से वायरल हुए हैं और वो आज के डेट में सबसे ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। खैर, आप क्या कहेंगे इसके बारे में अपनी राय जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल देन, जय हिंद मातरम, गुड बाय।